तुलसी, चावल, चीनी और हल्दी ली है। एक जल का लोटा भरा है, लोटे को तिलक करेंगे, सतिया बनाएंगे हल्दी से। तिलक खुद को भी लगाएंगे, चावल, थोड़ा सा चीनी, चावल और तुलसी या दूध लोटे में डाल देंगे। सबसे पहले गणेश जी की कथा होती है। गणेश जी महाराज की जय। ओम गणादि गणेश विनायक जी की कहानी। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चावल और चीनी थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे पानी में। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा, तो बेटा बोला धन मांग ले और बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती दें, पोता दें, समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। गणेश जी महाराज की जय। अहोई अष्टमी व्रत की कथा। अहोई माता की जय। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती के लिए मंदिर के लिए मिट्टी लेने खदान को गई। खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो दैव योग से उस ही जगह एक सेहे की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेहे के बच्चे को लग गई, जिससे सेहे का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात एक वर्ष में उसके 7ों लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री दिन रात अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी, जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सेहे का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर 7ों लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप नष्ट हो गया है। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सेहे और सेहे के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना किया करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात सुनकर और मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया और हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। हे होई माता, जैसे स्त्री की पुत्रों की और संतान की रक्षा की, उसी तरह हम सब की संतान की रक्षा करना।
उन्हें सद्बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र प्रदान करना। अहोई माता की जय। इसके बाद मैं तो थोड़ा सा रामायण पाठ भी करती हूँ। माम वलोक्य पंकज लोचन कृपा विलोकने सोच विमोचन नील ताम्र श्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधु भरि जातु धान बरूत बल भंजन मुनि सज्जन रंजन गंजन भूसर ससिन वृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भार मई खंडित खर दूषण विराद वद पंडित राव नारि जय रूप भूपवर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमणि संत समागम कारुण एक बैलिक मद खंडन सब विधि कुशल कोसला मंडन कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन प्रभु तुम्हार कुल गुर जल्दी कही उपाय विचार बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधारि सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सका कही तुमने की उपाय करिय देव जो होई सहाय मंत्र नाय है लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुनि अति दुख पावा नाथ देव कर कवन भरोसा सोशिय सिंधु करिय मन रोसा कादर मन कहूँ एक अधारा देव देव आलसी पुकारा सुनत बिहसी बोले रघुवीरा ऐसे ही करब धरो मंदिरा अस्कहि प्रभु अनुजय समझाए सिंधु समीप गए रघुराय प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई बैठे पुनि तट दर्ब डसाई जब ही विभीषण प्रभु पहियाए पाछे रावण दूत पठाए सकल चरित तिन देखे धरे कपट कपि दे प्रभु गुण हृदय सराहही शरणागत परने सियावर राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम संकट मोचन जय हनुमान। कहानी कहते हुए जो जल का लोटा है भरा था हमने उसे सूर्य देवता को चढ़ाना है। बायना निकालना है, कोई भी कपड़ा और कुछ पैसे और सूखा सामान आप गीला जो भी रख सकते हो जो भी आपको अपने बड़ों को देना है। ये जल तुलसी में डाल देंगे। तुलसी महारानी नमो नमः हर की पटरानी नमो नमः तुलसी महारानी नमो नमः हर की पटरानी नमो नमः। हैप्पी होई अष्टमी गाइस। होई माता सबके बच्चों को लंबी उम्र अच्छा स्वास्थ्य कामयाबी और सद्बुद्धि प्रदान करे। जय होई माता। और कहानी कहने के बाद जो लोग चाय पीते हैं वो चाय पी सकते हैं, कोई दूध पीता है, कोई जूस पीता है, जैसे मैं थोड़ा सा फ्रूट्स लूंगी।